विहिप व बजरंग दल ने गोहत्या व गौवंश तस्करी पर जताए विरोध। मुख्यमंत्री के नाम पिछोर तहसील को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में हो रही गौहत्या और गौ तस्करी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 19 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछोर तहसीलदार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में बढ़ रही है गौ तस्करी पर तत्काल रोक लगाकर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की एवं प्रदेश में संचालित पशु बाजार को बंद करने, रात सात की कार्यवाही करने एवं जिस थाने क्षेत्र से गौ तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं उस थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किए जाने जैसी 19 सूत्रों को मांग लेकर ज्ञापन सौंपा। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। इनके द्वारा जो आवेदन ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन लिया पर हम भेजते हैं ज्ञापन को और जो है मेरा कदम है। मेरा नाम अनुराग अग्निहोत्री है, गोरक्षक प्रमुख जिला पिछोर। अनुराग जी, आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है टीम कार्यालय जाके बजरंग दल वालों जी, क्या है मामला? अब आज हम सब बजरंग दल वालों ने और सभी लोगों ने एकजुट होकर के OSDM कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। हमारी मांगें ये हैं कि गायों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, गौचर भूमि जो उनसे छीन ली गई है, गौचर भूमि जहाँ भी थी वो अतिक्रमण में जा चुकी है और गायों पर अत्याचार हो रहा है, उनके पैर बांधे जा रहे हैं, उनकी नाक बांधी जा रही है, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है, तो हम ये सब लोग चाहते हैं कि गाय पर अत्याचार ना हो और प्रशासन से हमारी यही मांग है और बस यही चाहते हैं कि प्रशासन इस चीज़ के लिए जो है समझे कि आगे कोई ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े बजरंग दल वालों को, क्योंकि अब ये हमसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, जितना बर्दाश्त करना था वो हम कर चुके, अब आगे प्रशासन से यही मांग है इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाए, बूचड़ खाने बंद होना चाहिए, गाँव पर अत्याचार बंद होना चाहिए, यदि नहीं होते हैं तो इसके बाद फिर बजरंग दल वाले ये सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर के अपने सिस्टम से तय करेंगे करना क्या है आगे।